गदा काट गदा काट गदा काट काट। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है सभी को 4 जून का, जब इस चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और देश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। बहरहाल, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में 7 चरणों में चले चुनावी समर में जहाँ लोकतंत्र के हर रंग, खुशबू और उसकी महक देखने को मिली है, तो वहीं कुछ खट्टी मीठी यादें भी इसके साथ जुड़ गई हैं। मसलन, चुनाव प्रचार के दौरान जहां सभी पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगाया, वहीं राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने और आक्रामक भाषण देने में भी पीछे नहीं रहे। कई बार तो चुनाव आयोग ने इसमें दखल भी उनको देना पड़ा। 2024 के आम चुनाव के राष्ट्रीय पार्टियों के अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने में भी कोई गुरेज नहीं किया। खासकर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर एक दूसरे को हराने के लिए विशेष रूप से अपनी रणनीति भी बनाई। वहीं पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर भी एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। चुनाव के दौरान मुद्दे भी खूब उछाले गए। मसलन, कश्मीर, अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर राम मंदिर, इंडिया ब्लॉक, अडानी, अंबानी, हिंदू मुसलमान, संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम ऐसे मुद्दे लगातार चुनावी समर में दिखाई पड़ते रहे। संविधान, आरक्षण, दलित ओबीसी और जातिगत जनगणना पर भी खूब तकरार देखने को मिली। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दे भी जनता के बीच चर्चा का विषय रहे। इस सब के बीच मतदान में जनता की भागीदारी को लेकर भी चिंता देखने को मिली। जनता शुरू के कुछ चरणों में मतदान को लेकर थोड़ी उदासीन जरूर दिखी, लेकिन चौतरफा अपील के बाद धीरे धीरे लोगों की भागीदारी बढ़ती भी दिखाई पड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े इन तमाम मुद्दों और विषयों पर विस्तार से हम आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। आपको बताएंगे चुनाव के पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक की पूरी कहानी, क्या क्या हुआ चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान, किन बातों पर हुआ जनता पर असर और किन बातों से जनता रही बेखबर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव महज जीत हार, सरकार बनाने या गिराने का जरिया नहीं होते हैं, बल्कि शुद्ध रूप से यह राजनीतिक चेतना को प्रेरित करने का एक बड़ा माध्यम और मंच होते हैं। चुनाव समाज में संवाद, विकास और राष्ट्र निर्माण के विमर्श को प्रेरित करने के लिए साधन के तौर पर भी देखा जाता है। चुनाव के दिनों में ये बहस इस तरीके से जो मूलतः राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों, रैलियों में नेताओं के दिए गए भाषणों और बयानों से बनती बिगड़ती है, और इन सभी विचारों और संवादों का पुट देखने को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जहाँ चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गए। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप, विवादित बयान, पार्टियों के घोषणा पत्रों पर रात तकरार के साथ ही विकास, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर भी खूब बहस देखने को मिली है। सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है, लिहाजा संविधान के मुताबिक इससे पहले नई लोकसभा का गठन जरूरी है। इसे देखते हुए ही 16 मार्च 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो उसके साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1. We'll start from 20th March notification and date of poll would be 19th of April. Last phase, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसके साथ ही लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व की तैयारी पुरजोर तरीके से शुरू हो गई और तमाम राजनीतिक दल भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव के मैदान में उतर गए।
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 2024 का आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त हुआ। इस दौरान 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और अब 4 जून को मतगणना होगी, जिसके परिणाम का इंतजार सभी को है। चरणबद्ध तरीके से अगर बात करें तो पहला चरण 19 अप्रैल को पूरा हुआ, जिसमें 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ, जिसमें 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 88 सीटों पर मतदान हुआ। तीसरा चरण 7 मई को संपन्न हुआ, इसमें 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 93 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले, जबकि चौथे चरण का मतदान 13 मई को पूरा हुआ। चौथे चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पांचवा चरण 20 मई को संपन्न हुआ, जिसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं छठवें चरण का मतदान 25 मई को पूरा हुआ, इसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान हुआ। आखिरी दौर में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर मतदान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जहां अब की बार 400 पार का नारा देकर मैदान में उतरी, वहीं कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने 328 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि भाजपा ने 441 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सके। भाजपा ने अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। भाजपा ने तमिलनाडु में AIADMK के बजाय 7 छोटे दलों से गठबंधन किया। मोटे तौर पर कहें तो भाजपा ने तमिलनाडु में अपने बूते ही चुनाव लड़ा, जबकि विपक्ष ने तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। DMK पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करकर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भाजपा और TDP ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जहां पिछले चुनावों के वोट प्रतिशत को देखते हुए NDA खुद को फायदा मिलने की उम्मीद जता रहा है। आंध्र प्रदेश से सटे तेलंगाना में इस बार भाजपा को बेहतर रिजल्ट की आशा है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी, जबकि BRS को 9 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। तब भाजपा का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 9% बढ़ा था। इस बार तेलंगाना में मुकाबला त्रिकोणीय रहा, जहां भाजपा, कांग्रेस और BRS प्रमुख पार्टियां थी। तेलंगाना की हैदराबाद सीट पूरे चुनाव अभियान के दौरान चर्चा का विषय बनी रही, जहां 4 दशक से इस सीट पर कब्जा जमाए ओवैसी परिवार को भाजपा की तेज तर्रार और साफ छवि की नेता माधवी लता से कड़ी टक्कर देखने को मिली। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। यहां हैदराबाद में भी MIM को इसलिए ही खुली छूट दी गई है। वोट बैंक ना नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही BRS हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है। दक्षिण के 2 और राज्य केरल और कर्नाटक की बात करें तो इन दोनों राज्यों के चुनाव भाजपा के लिए 2 वजहों से खास हैं। पहला, लेफ्ट शासित केरल में सेंध लगाने के अपने लंबे समय से पाले हुए सपने को साकार करना, और दूसरा, कर्नाटक में फिर से 2019 के परिणाम को दोहराना, जहां भाजपा ने 2019 में 28 लोकसभा सीटों में से 25 हासिल किया था। वहीं कांग्रेस गठबंधन के लिए भी केरल में 2019 के चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है, जब उसे राज्य की 20 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव में स्थितियां
थोड़ी अलग दिखी। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा ज्यादातर सीटों पर आमने सामने रहे। वहीं एनडीए का नेतृत्व करने वाली भाजपा की रणनीति तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसी सीटों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में जीत हासिल करने की रही। सीपीएम के नेताओं को जो रिश्वत मिली है वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में है। जैसे अकेले त्रिशूर में ही 80 से ज्यादा अघोषित खातों में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत जमा है। अकेले त्रिशूर के सीपीएम जिला सचिव के नाम पर 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जब एक स्थान का ये हाल है तो हम बाकी केरला का अंदाज लगा सकते हैं। दक्षिण के अलावा अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब में भी कड़ी चुनावी टक्कर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ईडी गठबंधन के साथ तृणमूल पार्टी की बात नहीं बन पाई और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिला। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और थर्ड फ्रंट भी चुनावी मैदान में डटे रहे। बंगला नहीं रहने से आगा की नहीं होता, आज आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। इसी तरह ओडिशा में करीब पिछले ढाई दशक से लगातार राज कर रहे बीजेपी नेता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस बार चुनाव में पहली बार कड़ी चुनौती मिलती दिखी। भाजपा द्वारा उठाए गए ओडिशा अस्मिता के मुद्दे यहां खासी चर्चा में रहे। ओडिशा में लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी और भाजपा के बीच देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है, पर्दा उठना चाहिए ना। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। वहीं पंजाब में लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच देखने को मिली। कांग्रेस और आप दोनों ईडी गठबंधन के हिस्सा हैं। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में दोनों पार्टियों ने गठबंधन का हिस्सा रहते हुए चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में यह गठबंधन नहीं हो पाया और वहां चुनाव में दोनों आमने सामने रही। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था। इन दो सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और ईडी गठबंधन के बीच देखने को मिला। वहीं असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में एनआरसी, सीएए और अवैध घुसपैठ के साथ ही मणिपुर का मुद्दा भी हावी रहा। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गईं,
आरक्षण छिन गया और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दों की बात करें तो भाजपा ने अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी का नारा दिया। वहीं कांग्रेस का नारा रहा हाथ बदलेगा हालात। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान चर्चा और बहस के मुद्दे बार बार बदलते रहे। एक तरफ भाजपा देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ ही संसाधनों के वितरण के लिए गरीब, युवा, नारी और किसान जैसे चार आर्थिक वर्गों को केंद्र में रखकर योजनाओं का प्रचार करती रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अन्य वादों के साथ समाज कल्याण कार्यक्रमों को आरक्षण आधारित जाति केंद्रित सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ मिलाकर लोकप्रिय वादे के रूप में प्रचारित करती रही। चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लग गए। भाजपा ने जहां इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर केंद्रित और विकसित भारत की संकल्पना को जनता के सामने रखा, वहीं कांग्रेस ने भाजपा के शासन में आने पर संविधान बदल दिया जाएगा, चुनाव नहीं होंगे जैसे भय और चिंता जताने वाले बातों को बार बार जनता के बीच उठाया। जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान में। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप भी खूब लगाए। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीबों का हक छीनकर मुसलमानों में बांट देना चाहती है। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा सोना और संपत्ति के सर्वे की बात को भारतीय स्त्रियों, खासकर मध्यम वर्गीय महिलाओं के मंगलसूत्र पर खतरा तक बता दिया। इस तरह पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर रहे। कई बार तो नेता अपने भाषणों में सभी मर्यादाओं को भूल गए और चुनाव आयोग को उन्हें चेतावनी देते हुए नोटिस तक जारी करनी पड़ी। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा।
जहां तक चुनाव में जनता की भागीदारी की बात है तो मतदान प्रतिशत ने थोड़ा निराश जरूर किया। हालांकि चुनाव आयोग से लेकर तमाम बड़े नेताओं और बुद्धिजीवियों की अपील के बाद आगे के चरणों में इसमें थोड़ा सुधार हुआ। वहीं ईवीएम और मतदान के बाद वोट प्रतिशत के नतीजे देर से आने पर भी सवाल उठे, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे बेबुनियाद बताया। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने का असर भी देखने को मिला, जहां की जनता ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि तमाम झंझावतों के बावजूद 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में काफी खास भी रहा। इस बार पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़ रही, जो 2019 की तुलना में 72.8 मिलियन ज्यादा है। इस बार कुल वोटर्स में से 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर थे। 18.4 मिलियन वोटर्स 18 से 19 साल की आयु वर्ग के थे, जो कुल वोटर्स के 1.89% थे। वहीं करीब 48,000 ट्रांसजेंडर को भी मतदाता सूची में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर कहें तो देश का हर कोना लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव के रंग में सराबोर रहा। पूरे चुनावी प्रचार के दौरान पहाड़ से मैदान तक सियासी हवाओं के चलने का दौर जारी रहा। सभी पार्टियां और उसके नेतागण अपने अपने दल की जीत का दावा भर रहे हैं। अब तो यह 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता ने किसे शासन की बागडोर संभालने के लिए मत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देखा आपने किस तरीके से मतदान के लिए मैनिफेस्टो और मुद्दों का एक अहम रोल रहा है, जिसका आपने पूरा सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से समझने की कोशिश की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस प्रकार की अन्य खबरें जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 2024 के पूरे मतदान में, उससे आपको रूबरू कराएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमिया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के 34 दिनों के बाद मतदान की शुरुआत हो गई थी, और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसके 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। उम्मीद थी कि इस बार मतदाता दोगुने उत्साह से आएंगे, लेकिन पहले चरण के मतदान में वोटरों ने कम मतदान करके सबको चौंका दिया।
2019 की तुलना में 2024 के आम चुनाव में वोट प्रतिशत में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम की मशीन में कैद हो गई। आइए जानते हैं पहले चरण के चुनाव प्रचार और मतदान की क्या रही बड़ी बातें इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत इसके पहले चरण के मतदान के साथ हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान पूरे हो गए। पहले चरण के मतदान में 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें 73 सामान्य श्रेणी के साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 18 और अनुसूचित जनजाति के लिए 11 आरक्षित सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में कुल 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल थीं। पहले चरण में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 16.63 करोड़ थी, लेकिन 66.14% मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया, जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 3.29% कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में डाले गए मतों का प्रतिशत 69.43% था। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और एनडी गठबंधन लगातार चुनावी रैलियां कर चुनाव का नैरेटिव सेट करने में लगे रहे। इस दौरान एनडीए जहां राम मंदिर, कच्चा तीवू, सनातन, भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी के साथ चुनाव प्रचार में जुटा रहा, वहीं एनडी गठबंधन के नेता मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे जैसे नैरेटिव सेट करने में लगे रहे। मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है, गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। पहले चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा ने वंशवाद की राजनीति के साथ ही संविधान और हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर इंडी गठबंधन पर हमला बोला, तो विपक्ष के नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर आरोप लगाया। ये देश के विकास का चुनाव है, ये देश को विकसित करने का चुनाव है। ये जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और ये जो माइंडसेट बदला है, ये उसका चुनाव है। पहले क्या होता था, कौन कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है, हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। पहले चरण के चुनाव में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री
और एक पूर्व राज्यपाल के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण शख्सियतों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। पहले दौर में केंद्रीय मंत्रियों में अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, फग्गन सिंह कुलस्ते, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह और निशित प्रमाणिक चुनाव मैदान में थे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों में जीतन राम मांझी और ओ पनीर सेल्वम शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान पूरा हुआ। इस चरण में भी हिंदी पट्टी के मतदाता जो थे वो कुछ अलसाए हुए नजर आए और मतदान प्रतिशत 66.71% ही देखने को मिला, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के करीब 4.5% कम रहा। इस चरण में भी बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा भी खूब चढ़ा और जमकर पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया 26 अप्रैल को पूरी हो गई। इसके साथ ही पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 190 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई। वोटरों का जोश इस चरण में भी पहले चरण की तरह ही थोड़ा ठंडा दिखा। हालांकि भीषण गर्मी के बावजूद पश्चिम बंगाल और असम में वोटरों ने बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग किया। दूसरे चरण के मतदान के दौरान 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में 73 सामान्य वर्ग, 9 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव हुआ। दूसरे चरण में कुल 1,210 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल मिलाकर दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत 66.71% रहा। फिर भी ये 2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 71.11% की तुलना में कम ही रहा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर शब्दबाण चले। इस दौरान सबसे ज्यादा आरोप मुसलमान, मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो और मनमोहन सिंह को लेकर रहे। इन सब के बीच जनता के अहम मुद्दे और विकास की बातें पीछे छूटती नजर आई। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी, हां एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सिपाही का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सेनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा। जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार आई निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। दूसरे चरण से ठीक पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रौदा की विरासत कर वाली टिप्पणी को लेकर सियासी बवंडर भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो लोगों की संपत्ति छीनना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने सैम पित्रौदा के बयानों से किनारा करते हुए इसे उनकी निजी राय बताया। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का
और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है क्या? कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने भी जवाबी हमले किए। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया, मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमाम दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में थे। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और मांड्या से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी ने चुनाव लड़ा। वहीं राजस्थान के जालौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव मैदान में थे, जबकि कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चुनाव लड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहले दो चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद तीसरे और चौथे चरण का मतदान 7 मई और 13 मई को संपन्न हुआ। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही इस दौर में नेताओं के बयान भी तीखे होते चले गए। एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई भी दल पीछे नहीं दिखाई पड़ा। हर गुजरते चरण के साथ मुद्दे जहां तीखे होते दिखाई दिए तो शब्द बाण भी और ज्यादा चुभने वाले नजर आए। तापमान बढ़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी भी खूब देखने को मिली। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही देश में आधी लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को पूरा हुआ। इस दौर में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसमें 72 सामान्य सीट, 10 SC सीट और 11 ST सीट शामिल थी। इस चरण में कुल 1,331 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 121 महिला उम्मीदवार थी। वहीं तीसरे चरण में कुल 65.68% मत पड़े। तीसरे चरण में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ एक गाना था, सुन भाई सुन, तो सुन भाई सुन देश की धुन, ऑन 4th June इंडिया गठबंधन इज कमिंग। तो हम लोगों की सरकार जो है वो बनने जा रही है। देखिए, मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी NDA के 15 साल से सांसद हैं, उन सांसदों ने क्या किया इन इलाकों के लिए? कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। इन चरण में आरक्षण, संविधान, हिंदुत्व जैसे मुद्दे हावी रहे। ST SC OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को OBC कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग MPs ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को
फाड़ के फेंक देंगे। तीसरे चरण के मतदान के बाद जिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, श्रीपद येसो नायक, पुरुषोत्तम रूपाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर मनसुख मांडविया और एसपी सिंह बघेल शामिल हैं। इनके अलावा डिंपल यादव, सुप्रिया सूले, दिग्विजय सिंह आदि भी चुनाव मैदान में थे। ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहाँ यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं, ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। चौथे चरण का मतदान 13 मई को पूरा हुआ, जिनमें 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इनमें 64 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति और 12 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। चौथे चरण में कुल 69.16% मतदान हुआ। नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप इस दौर में भी बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान सभी दलों ने अपने अपने जीत के दावे किए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा, भारत की राजनीति की रीति नीति, भारत की राजनीति की संस्कृति और भारत के राजनीति के कार्य करने का तरीका और भारत के राजनीति की परिभाषा को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है और नई संस्कृति को स्थापित किया है, ये हमको ध्यान रखना है। आप इस बात के लिए चुनाव में आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, इस काम के लिए हम आगे आए हैं। हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। चौथे चरण के चुनाव में तमाम दलों के कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। अब उनकी किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चौथे चरण तक का प्रचार और मतदान की पूरी कहानी को हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन अगले चरण की बात करें उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my SEAT tires. SEAT, crafted for the curious. Digital banking ka hai zamana, time hai bachana. Digital banking hai aasan. Karo chahe koi bhuktan. Anytime, anywhere, safe hai, fast hai. Har payment. Ungliyon pe set hai. लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH.
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। पांचवें और छठे चरण का चुनाव 20 मई और 25 मई को पूरा हो गया। इसके साथ ही 90% लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। हालांकि चुनावी भाषणों में एक दूसरे पर आरोप लगाने के कोई भी दल एक दूसरे से पीछे नहीं रहा। इस चरण तक चुनाव आते आते हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर बहस और ज्यादा तीखी हो चुकी थी। पांचवें और छठे चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। पांचवें चरण में सबसे कम सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में कुल 695 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार थी। पांचवें चरण में कुल 62.2% मतदान हुआ। वहीं छठवें चरण में 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान हुआ। छठवें चरण में मतदान का प्रतिशत 63.37% रहा। पांचवें और छठे चरण के चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के साथ मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के साथ ही बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए डाल दिए जाएंगे, महीने के 8,500 रुपए। हर महीना 1 तारीख को कटा कट। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रायबरेली में जनसभा करने पहुंची और राहुल गांधी के लिए वोट मांगा। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। तो वहीं भाजपा ने तुष्टीकरण, वंशवादी राजनीति और नागरिकता के मुद्दों पर इंडी गठबंधन को घेरा। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटा खट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठका ठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टका ठक। 3 तलाक को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही। लोगों ने कहा था अब यह दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप 3 तलाक क्यों समाप्त करेंगे? यह तो हिंदुओं का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं। बहनों भाइयों, हमने कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हमारे लिए बराबर हैं। चाहे किसी धर्म में किसी धर्म की माता, बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म अत्याचार होगा, तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। मैं पूरे देश भर में घूमता आज कांती आया हूं। 30 सीटें आते ही आप समझ कर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने CAA पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, पांचवें चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों जैसे राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, निरंजन ज्योति के साथ ही राहुल गांधी, चिराग पासवान और उज्ज्वल निकम की किस्मत भी EVM में कैद हो गई। जबकि छठवें चरण में भी तमाम दलों के कई दिग्गज चुनाव मैदान में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।
लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण यानी सातवें चरण के लिए वोटिंग 1 जून को पूरी हुई। इसके साथ ही 2024 में लोकसभा के गठन के लिए सभी चरणों का मतदान भी पूरा हो गया और बस अब सभी को 4 जून को नतीजे का इंतजार है। सातवें चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौर में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी और ज्यादा जोर तरीके से रखना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने सातवें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सातवें चरण के लिए नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की और अपनी जीत का दम भी भरा। इस दौर में भीषण गर्मी के बीच राजनीतिक दलों की तीखी बयानबाजी से सियासी पारा और भी गर्म हो गया। सातवें चरण के मतदान में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें सामान्य वर्ग की 41, अनुसूचित जाति की 13 और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटों पर मतदान हुआ। सातवें चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल थे। सातवें चरण में अनुमानित मतदान 62.36% रहा। सातवें चरण के प्रचार अभियान में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के इंडी समूह पर परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और सनातन को लेकर आक्रमण किया। ये लोग महंगाई को रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार। राजीव गांधी जी जैसा व्यक्ति है, उसने कहा मैं क्या करूं, दिल्ली से 100 पैसा मैं नीचे भेजता हूं, बामुश्किल 14-15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन आपने देखा होगा 56 इंच सीने का हमारा प्रधानमंत्री, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन मोबाइल और आधार की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। रामद्रोही वही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, रामद्रोही वही जो भारत के स्मिता और भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, राम भक्त वही जिसके लिए भारत का हित सर्वोपरि है, राम भक्त वही जो भारत की अस्मिता को पहचानता है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर चुनावी बॉन्ड में भ्रष्टाचार, धार्मिक विभाजन की राजनीति और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के साथ ही संविधान को बदलने का मंसूबा रखने के आरोप लगाए। साथ ही चुनाव में इंडी गठबंधन के जीत के दावे भी किए। बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है। मैं ये आंकड़े के साथ आपको बताया कि ये स्टेट में तो उनका घट रहा है। फर्ज करो कर्नाटक में 1 ही सीट थी, हम तो वहां पर 10-12 ला रहे। तेलंगाना में 1-2 थे, अब तो हम वहां 10-12 ला रहे। फिर इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार, मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं। जीत निश्चित है, यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है, मोदी जी 400 पार करने वाले हैं, और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं, 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अंतिम चरण में चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में चुनावी सभा की और केंद्र में लगातार 3री बार सरकार बनाने का दावा किया। सरकार बनते ही 3रे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी,
सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। 7वें चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्रियों में आरके सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल, अनुराग सिंह ठाकुर चुनाव मैदान में थे, तो वहीं अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ ही कई अन्य दिग्गजों ने भी चुनाव लड़ा। 2024 का लोकसभा चुनाव संसदीय चुनाव के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चलने वाला चुनाव रहा। करीब 82 दिनों तक चलने वाले इस चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बेहद सावधानी पूर्वक तैयारी की। आइए जानते हैं इसके लिए लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कितनी पुख्ता तैयारी की थी। भारत के आम चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा मानव प्रबंधन का प्रयोग माना जाता है। इस प्रयोग के लिए 1,20,00,000 से अधिक अधिकारियों और लाखों कर्मचारियों को चुनावी मशीनरी के लिए जुटाना किसी महान काम से कम नहीं है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ इतने बड़े स्तर पर मानव प्रबंधन का कुशलता से इस्तेमाल किया, बल्कि आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराकर हर बार की तरह इस बार भी दुनिया के सामने एक नायाब उदाहरण रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल पंजीकृत 96.8 करोड़ मतदाताओं का डेटाबेस तैयार करने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर 237, राज्य स्तर पर 1804 मास्टर्स ट्रेनर्स को तैयार किया, जिन्होंने सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर मास्टर्स ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया। 2024 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग ने करीब 1,05,00,000 से ज्यादा मतदान अधिकारी, करीब 1,800 पर्यवेक्षक तैनात किए। वहीं मतदान के लिए करीब 10.5 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, मोर देन द कंबाइंड वोटर्स ऑफ अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल मैनी पुट टुगेदर, ओवर 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस, एंड कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कंडक्ट दोज इलेक्शंस, मोर देन 55 लाख ईवीएम्स, 4 लाख व्हीकल्स। हमने इलेक्ट्रल रोल में बहुत मेहनत की है, इनपुट के तौर में मटेरियल, मैनपावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीजें लगती हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव का पर्व देश का गर्व नाम से अभियान भी चलाया। निर्वाचन आयोग ने हर एक वोट की कीमत को पहचानते हुए सिर्फ एक मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र बनाया, जहां पहुंचने के लिए आयोग की टीम ने 39 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। चुनाव आयोग ने हर मतदाता के वोट के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए पहली बार 85 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम यानी घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की। ये भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली की सफलता और निर्वाचन आयोग की कुशलता ही है कि दुनिया भर के अनेक देशों के चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भारत में चुनाव आयोग का प्रबंधन और चुनाव प्रणाली देखने और उससे सीखने के लिए आते हैं। 2024 के आम चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के निमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि लोकसभा चुनाव देखने के लिए भारत आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इतनी बड़ी पूरी प्रक्रिया के बाद अब सभी को इंतजार है 4 जून जब आएंगे पूरे नतीजे और पता लगेगा किसकी बनी है सरकार, किसको मिला है जनादेश। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार। कट 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 कट